हेलो स्टूडेंट, अब नेक्स्ट टॉपिक है वीक स्ट्रांग ब्रिज। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है वीक स्ट्रांग ब्रिज, जिसे बोलते हैं हिंदी में वीक स्ट्रांग और सेट। ठीक है, देखो इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं कि क्या होता है और क्यों काम में लिया है। तो ये बात तब की है जब अपना देश आजाद हुआ था उससे एक साल पहले, मतलब कि 1946, मतलब कि अपना देश आजाद हुआ था 1947 में, और ये बात है 1946 की। उस टाइम क्या होता था, एक साइंटिस्ट था सी एफ वीटस्टोन, और उसने क्या बोला कि भाई साहब, उसने चार रजिस्टेंस लिए, जिसमें तीन की वैल्यू नॉन थी और एक की वैल्यू अननोन थी, और एक गैलोनोमीटर लिया और एक बैटरी लिया। उन सभी को कंडक्टिंग वायर के थ्रू जोड़कर एक ऐसा सर्किट बनाया जिससे उस अननोन की वैल्यू उन्होंने रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करी। मतलब द व्हीटस्टोन ब्रिज मेक ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ फोर रेजिस्टेंस, वन सेल एंड वन गैलोनोमीटर फॉर्म ए स्पेशल टाइप ऑफ सर्किट विच इज यूज टू मेजर द वैल्यू ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस। अब यार कैसे फाइंड आउट करेगा, उसी से बात की तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा है कि सर ये करेगा कैसे, तो वही चर्चा अपन इस पर करेंगे। तो पहले बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन सेट होता क्या है कि, तो सबसे पहले इन 1946 सी एफ व्हीटस्टोन कंसिस्ट ए स्पेशल सर्किट, स्पेशल सर्किट यूज टू मेजर द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। ओके बेटा, कि मतलब 1946 की बात है जब व्हीटस्टोन नाम के साइंटिस्ट बाबा ने एक ऐसा सर्किट बना दिया, एक ऐसा स्पेशल परिपथ बना दिया जिसके द्वारा उन्होंने अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया। ठीक है भाई, सही भाई, क्या था, इट कंसिस्ट ऑफ किस किस सीमेंट का बना, इट कंसिस्ट ऑफ फोर रेजिस्टेंस। अब इन फोर रेजिस्टेंस में से थ्री नॉन एंड वन अननोन, तीन तो नॉन होंगे और एक क्या होगा अननोन, और वन सेल एंड वन गैल्वेनोमीटर आर कनेक्टेड बाई कंडक्टिंग वायर, जिनको एक कंडक्टिंग वायर से जोड़कर स्पेशल सर्किट बना दिया। अब बात करती है कि यार ये तो व्हीटस्टोन की चलो थ्योरी हो गई, बात करती है प्रिंसिपल पर। भाई पी ए आर मुझे लिखता है, ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल क्या होता है इसका, अरे मतलब जिसके ऊपर ये वर्क करता है, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत जिसके ऊपर ये वर्क करता है, तो वो किसके ऊपर वर्क करेगा, ध्यान रखना। ये इस प्रिंसिपल का वर्क करता है कि इसमें एक सर्किट जोड़ेगा, तो मैं थोड़ा सा सर्किट यहां पर तुम्हें बनाकर बता देता हूं कि कुछ इस टाइप का सर्किट होता है, केवल रफ व्यू दे रहा हूं, एक फेयर व्यू बाद में, ऐसा सर्किट होता है, ये होता है पी, ये क्यू, ये आर,
और ये एस और बीच में होता है ये रोड कनेक्टेड और इधर पावर सप्लाई होती है, ये एक सर्किट होता है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट होता है। अब इसमें मेन चीज है ये ए ये बी ये सी और ये डी। अब अपन को क्या करना है, इस क्यू और एस को सीरीज में लाना है। एक चीज समझना, इस क्यू और एस को सीरीज में लाना और इस पी और आर को भी सीरीज में लाना। ये किस केस में हो सकते हैं, जब इधर जाने वाली कोई करंट मतलब जो गैल्वेनोमीटर की जो करंट है वो क्या हो जाएगी जीरो। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी तुमने पढ़ा है अगर मान ले करंट इधर फ्लो कर रही है आई, इधर 10 वोल्ट होगा और इधर जीरो, मतलब करंट का फ्लो हमेशा इधर से किधर की ओर होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। मतलब कि एक बात बता दूं तुम्हें, करंट का फ्लो कब होगा, जब एक टर्मिनल पर तो हाई पोटेंशियल होगा एक टर्मिनल पर लो पोटेंशियल होगा। मैं यहां बोल सकता हूं कि भाई साहब करंट का फ्लो कब हो सकता है, जब एक तरफ तो पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा और दूसरे तरफ पोटेंशियल की वैल्यू कम। यार एक सिंपल सी बात है, अगर मैं यहां खड़ा हूं ये चीज समझते हैं, मैं यहां पर खड़ा हूं ना इलेक्ट्रॉन, अब मैं उधर कब भाग सकता हूं जब मेरे को इधर से कोई धक्का दे। अगर इधर वाला धक्का और उधर से जो लग रहा है धक्का दोनों तरफ इक्वल हो, क्या मैं किधर भी जा सकता हूं। मतलब कि अगर मेरे को कोई इधर से पुश करता है तो मैं इधर जाऊंगा, क्यों जाऊंगा, क्योंकि मेरे तरफ मेरे पर उधर से लगने वाला फोर्स इधर से लगने वाले फोर्स के कंपेयर में कम है। मतलब अगर मैं इधर से 10 न्यूटन लग रहा है उधर से 2 न्यूटन लग रहा है तो मैं 8 न्यूटन से उधर की तरफ बढ़ूंगा। सेम चीज है भाई साहब, ये सारा का सारा खेल किसकी वजह से है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब ये अगर इलेक्ट्रॉन यहां था, इस 10 पोटेंशियल इधर अप्लाई हो रहा है और 0 पोटेंशियल इधर अप्लाई हो रहा है बहुत कम, तो ये इलेक्ट्रॉन किधर दौड़ेगा, सीधी सी बात है इधर दौड़ेगा, तो करंट का फ्लो इस तरीके से रहेगा। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, मतलब तुम्हें एक चीज याद रखनी है कि करंट का फ्लो ऑलवेज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होता है। मतलब द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम द हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, क्लियर है, ये याद रखिए। अब अपने को तो करंट फ्लो करानी नहीं है सर, अपने को तो करंट फ्लो कराना नहीं, और जब करंट फ्लो ही नहीं करानी है तो अगर इधर 10 वोल्ट और अगर इधर 10 वोल्ट हो जाए क्या करंट फ्लो होगी, कभी नहीं होगी। मतलब कि अगर डी पर जितना पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल डी पर हो जाए तो इधर कोई करंट नहीं आएगी, इसका मतलब ये सर्किट चाहे हो चाहे नहीं हो काम कर जाए। ये दोनों किसमें, सीरीज में, ये दोनों किसमें, सीरीज में, और अपना काम हो जाएगा। इसे अपन कंडीशन ले लेंगे जिसे बोलेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज कब इक्विलिब्रियम में रहेगा, जब गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू जीरो होगी। और वो करंट की वैल्यू कब जीरो होगी, जब गैल्वेनोमीटर के दोनों टर्मिनल पर पोटेंशियल इक्वल होगा। अब मतलब ये एक प्रिंसिपल क्रिएट किया जिसने व्हीटस्टोन भाई साहब ने, कि बोले भाई साहब अगर अपन ऐसा करते हैं तो अपन जो भी अननोन रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बोलो ये थोड़ा समझ में आया, ठीक है बेटा, हाँ आगे चलो इसको मैं रन कर रहा हूं। तो यहां पर पहुंच चुके प्रिंसिपल क्या होगा, द करंट करंट फ्लोइंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ गैल्वेनोमीटर की जीरो, हाँ और कब जीरो होगी, वेन वेन द पोटेंशियल पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द गैल्वेनोमीटर बोथ ऑफ द टर्मिनल ऑफ द गैल्वेनोमीटर बोथ ऑफ टर्मिनल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू जीरो, इक्वल टू इच, हाँ यहां तक ओके है, क्लियर है यहां तक कि भाई प्रिंसिपल क्या होगा, जब आई जी जीरो होगी, लेकिन कब जीरो होगी, जब दोनों पोटेंशियल इक्वल होंगे, ठीक है भाई ये प्रिंसिपल है सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन का। सर्किट डायग्राम मतलब विद्युत परिपथ, देखते हैं सर्किट डायग्राम कैसा है। अब देखो सर्किट डायग्राम कैसा होता है,
ध्यान रखना कि इसमें क्या होता है, चार पॉइंट होते हैं, एक रेजिस्टेंस, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, और इधर एक बैटरी, एक की प्लस माइनस बैटरी जो भी है वोल्ट की है ना, और इधर से कितनी करंट फ्लो हो जाएगी, ये पी रेजिस्टेंस, ये क्यू रेजिस्टेंस, ये आर रेजिस्टेंस, ये एस रेजिस्टेंस, इन दोनों टर्मिनल के बीच में एक जनरेटर भी जोड़ते हैं। हाँ, और अब देखो करंट डिवाइडेशन करते हैं, इधर से आई करंट आ रही, मान लेते हैं इधर करंट गई आई वन और इधर करंट गई आई टू और इधर करंट जाती है आई जी, ठीक है, तो आई वन आई जी, तो इधर मान लेता हूं मैं आई थ्री आई टू, इधर आई जी आएंगे तो इधर आ गई आई फोर। अब देखो आई फोर क्या होगा, आई टू प्लस आई जी, और आई थ्री क्या होगा, आई आ गई आई मिस आई जी से मिली तो आई माइनस आई जी, ये करंट डिवाइड हो गई। अब यहां से टोटल मिलेगी, जितनी करंट आई है उतनी करंट जाएगी तो आई, जब आई आती है तो आई भी वापिस मिलेगी, अब यहां तक ओके ठीक। अब इसके अपन इक्विलिब्रियम कंडीशन निकालेंगे, और इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए अपने को पता है कि गैलोनोमीटर वाले ब्रांच में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू क्या होगी, जी कब होगा, जब दोनों टर्मिनल पर पोटेंशियल इक्वल हो जाए, कि मतलब अगर मैं अगर बोल दूं एट इक्विलिब्रियम स्टेज, एट एट इक्विलिब्रियम स्टेज ऑफ वीक स्टेबिलिटी, इक्विलिब्रियम स्टेज ऑफ वीक स्ट्रॉन्ग ब्रिज, तो आपको पता है कि आईजी की वैल्यू जीरो होगी, अगर आईजी की वैल्यू जीरो होगी तो आई थ्री बराबर आई वन, आई वन माइनस आई जी, तो आई वन माइनस जीरो बराबर आई, मतलब मैं बोल सकता हूं आई थ्री आई वन के इक्वल होगा। इसी प्रकार आई टू आई फोर इज इक्वल टू आई टू प्लस आई जी, और आई जी की वैल्यू जीरो होगी, आई टू प्लस जीरो इज इक्वल टू आई टू, मतलब आई फोर आई टू के इक्वल हो जाए। यहां तक क्लियर बेटा, ये हो गया एट इक्विलिब्रियम स्टेज। अब अपन क्या लेंगे, इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन निकालेंगे, इसके निकालेंगे वेट डिस्टोर्शन ब्रिज की इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो देखो यहां तक अपन ने इसको क्लियर कर चुके हैं, और अगर अपन वहां जाए तो अपन वेट डिस्टोर्शन ब्रिज की इक्विलिब्रियम कंडीशन निकाल सकते हैं, तो मैं नहीं चाहता हूं इस पे से अपन बोल सकते, तो अपन एक काम करते हैं इस तरफ करते हैं और फिर यहां पर कंडीशन निकालते हैं, क्लियर है, तो तुम स्क्रीन शॉट ले सकते हो। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, अब इक्विलिब्रियम कंडीशन, कंडीशन वेट स्टॉर्म ब्रिज। हाँ देखो कैसे होगा, सबसे पहले स्टेप में अपन क्या बोलेंगे भाई, अपन को देखो आईजी अगर करंट फ्लो है, करंट फ्लो जीरो हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा, तो यहां क्या लिखेंगे, इफ इफ आईजी इक्वल्स टू जीरो देन द पोटेंशियल अक्रॉस, द पोटेंशियल अक्रॉस बी एंड डी टर्मिनल इज इक्वल टू ईच अदर, ओके बेटा, तो यहां से बोल सकता हूं बी डी इज इक्वल टू बी डी, इक्वेशन और मेरे हिसाब से सबको ओम्स लॉ सबको आता है, ओम्स लॉ
हो सकता है तुम फॉर्मूला हो सकता तुम गलत बोलो, फॉर्मूला आ सकता तुम बोलते हो वी बराबर आई आर, लेकिन जब तुम इसकी डिफाइन करो ना आंसर तो तुम एकदम करेक्ट करते हो, लेकिन जहां तुम फॉर्मूला लिखते हो सकता है वहां तुम इतना ढंग से करेक्ट नहीं हो। अब देखो कैसे करेंगे इसको, इस तरीके से समझो कि ये वी क्या है, ये पोटेंशियल नहीं है, इट इज ए पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज ए पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कंडक्टर या अक्रॉस द रजिस्टर, पोटेंशियल ड्रॉप ये क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप है नॉट पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्रॉप या डिफरेंस मतलब मैं बोल सकता हूं विभवांतर, और ये करंट फ्लो और ये रेजिस्टेंस, ये होता है ध्यान रखना कि V मतलब अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कंडक्टर या द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लोइंग करंट फ्लो द कंडक्टर, ये V is the not a potential, it is a potential drop or potential difference across the conductor। तो देखो यहां पर अगर मैं इसकी बात करूं, यहां पर इसकी बात करूं potential drop मेरे को निकालना है, तो देखो यहां पर potential drop क्या होगा, यहां high potential रहेगा यहां low potential रहेगा, तो इसका मतलब V A high है V B low है, तो V A minus V B बराबर I1 into Q होगा कि नहीं होगा, क्योंकि भाई ohms law है, तो देख पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे लिख देते हैं पोटेंशियल वी ए वी बी वी सी और वी बी, अब देखो देखिए एक चीज समझना, इन इस क्यू के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो, यहां कितना वी बी यहां कितना वी ए, हाई कौन वी बी वी ए क्योंकि वोल्टेज तो यही से मिल रहा हाई, और यहां सारा वोल्टेज खाके कितना हो गया जीरो, क्योंकि अपन ने पढ़ा है जितना वोल्टेज देते हैं उतना वोल्टेज खाना पड़ेगा, तो यहां Q के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, VA माइनस VB इज इक्वल टू आई आर आई वन इंटू क्यू, आई वन इंटू क्यू ये आया कि नहीं आया, ठीक। तो देखो अब अपने को यहां क्या चाहिए, VA माइनस VB चाहिए और इधर क्या चाहिए, VA माइनस VB चाहिए, तो मैं क्या करूंगा इस पूरी इक्वेशन को VA में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो इक्वेशन वन इज सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम V, इक्वेशन वन को इक्वेशन VA से सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो देखो VA माइनस VB इज इक्वल टू VA माइनस VB, अब देखो ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द क्यू रजिस्टर, ठीक है, तो क्या है सीधा लिख रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस क्यू, और ये क्या है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पी, ठीक है बेटा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, अब देखो बता वी बराबर आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो ये हो जाएगा आई वन इंटू क्यू, और ये क्या हो जाएगा आई टू इंटू सॉरी यहां तक तो ये आ गया, तो देखो लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आई वन क्यू इज इक्वल टू आई टू पी, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं आई वन अपॉन आई टू पी अपॉन क्यू, इस इक्वेशन को ले सकते हैं, तो यहां तक आया नहीं है, क्लियर लगता, ठीक आगे देखते हैं भाई ये भी तो दो बच्चे, तो अब इनमें बड़ा कौन है, वीबी बड़ा है कि वीसी बड़ा है, वीबी बड़ा, यहां पर भी वीबी बड़ा है कि वीसी बड़ा है, वीबी बड़ा, तो वीबी माइनस वीसी एस इंटू आई फोर, वीबी माइनस वीसी आर इंटू आई फोर हो जाएगा, तो देखो यहां पर क्या लिखेंगे सेम चीज इक्वेशन वन में से, मतलब इक्वेशन वन द वीबी इक्वेशन वन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे वीसी को, तो सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग वीसी इन द इक्वेशन थ्री इक्वेशन वन फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है लेकिन फ्रॉम बोथ साइड दोनों तरफ से वीसी घटाने पर देखो क्या हो जाएगा,
अब क्या होगा वी बी माइनस बी सी, वी डी माइनस बी सी। अब ये क्या है वी बी माइनस बी सी, वी बी माइनस बी सी इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एस रजिस्टर, वी डी माइनस बी सी इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द आर रजिस्टर। अरे है या नहीं है, आया नहीं आया, आया चलो। तो वी बी माइनस बी सी, देखो वी बी माइनस बी सी तो मैं लिखूंगा पोटेंशियल डिफरेंस है किसके क्रॉस, एस के क्रॉस, तो आई थ्री एस, और ये पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस आर के आई फोर आर। और अपने को पता है आई थ्री आई टू के इक्वल आई फोर आई टू के इक्वल, तो आई थ्री की जगह इसको इस तरीके से लिख सकता हूं आई थ्री की जगह आई वन और I4 की जगह I2। अब तो देखो क्या हो जाएगा I1s बराबर I2 R, तो I1 अपॉन I2 इज इक्वल्स टू R अपॉन S, इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 तक समझ में आया कि नहीं, क्लियर? अब सीधा सीधा कुछ नहीं करना, इक्वेशन 2 और 3 में देखो I1 अपॉन I2, I1 अपॉन I2, equilibrium condition of wheat stone bridge, बोलो क्लियर है? ये बेटा एक और चीज, ये मेथड वन, ये पोटेंशियल डिफरेंस का मेथड। अब तुम बोलोगे सर इसका और एक और मेथड है क्या? ना एक मेथड ही चलने में दिक्कत होगी, नहीं बेटा इतना कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम ध्यान से देखोगे एक ही चीज ध्यान रखनी तुम्हें कि किस पर वर्क कर रहा है, वेलोमेंट वाली ब्रांच में फ्लो अलग अलग करंट की वैल्यू जीरो होनी चाहिए पहला, दूसरा कि करंट की वैल्यू कब जीरो होगी, जब उसके दोनों टर्मिनल पर पोटेंशियल इक्वल होगी, बस पूरा का पूरा काम हो जाएगा। अरे हाँ या ना, ठीक यहां तक ही पहला मेथड ओके है, ठीक है स्कीम सॉल्व कर लो, दूसरा स्टार्ट करते हैं। हाँ अब दूसरा स्टार्ट करते हैं, तो अगला जो मेथड है वो मेथड टू है, ध्यान ध्यान ये चीज सेम चलेगी, इसमें अपने कोई चेंज नहीं है। देखो अगला क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर व्हीट स्टोन ब्रिज बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, मतलब आपने को किरचॉफ्स लॉ के द्वारा व्हीट स्टोन ब्रिज की इक्विलिब्रियम इक्वेशन या इक्विलिब्रियम कंडीशन निकालनी है। ये ध्यान रखना किरचॉफ्स लॉ, और किरचॉफ्स लॉ आपको पता है वोल्टेज लॉ होता है और करंट लॉ होता है, करंट लॉ तो यहां लग ही रहा है, वोल्टेज लॉ कैसे लगेगा, लूप कैसे लगेगा कि ए बी डी ए, देख इधर एक लूप लगा दो और इधर दूसरा लूप लगा दो, अरे ठीक है इन दोनों लूप को लगा के मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन निकाल सकता हूं। तो यहां पर क्या लगाऊंगा, सबसे स्टार्टिंग का लूंगा केवीएल, KVL अप्लाई एट लूप वन, कौन सा ए बी बी ए, ए बी बी ए, क्लियर? तो KVL लगा देते हैं, एक एक चीज समझना, ए से बी गया, ए से बी गया, क्यू ओम का रेजिस्टेंस करंट फ्लो आई वन, तो क्यू इंटू आई वन, इधर ही जा रहा हूं, इधर आ रहा हूं करंट तो ही, अब इधर जा रहा हूं लेकिन करंट मेरे सामने से आ रही है, साइन क्या आएगा माइनस, तो माइनस का पी आई टू, और वापस अपनी इनिशियल जगह तो इज इक्वल टू जीरो, यहां तो क्लियर। तो देखो क्या हो जाएगा, ये बात करेंगे अपन आगे, तो क्यू आई टू बराबर पी आई टू, तो आई वन
अपॉन आई टू इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर वन यहां तक ओके। अब सेम चीज अपन केवीएल निकालेंगे दूसरे से, तो बेटा देखो केवीएल अप्लाई करें लूप टू, लूप टू क्या बनेगा सी बी बी सी, सी डी बी सी ये दूसरा, तो इसमें भी लगा देते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, सबसे पहले उधर से उधर जाओ करंट सामने से आ जाएगा माइनस एस आई थ्री, इधर करंट जीरो, फिर इधर जाओ तो आर और सी तो प्लस आर आई फोर इज इक्वल टू जीरो। लेकिन मेरे को पता है जो आई थ्री है वो किसके इक्वल है आई वन के, और आई फोर है वो किसके इक्वल है आई टू के, तो माइनस का एस आई वन प्लस का आर आई टू इज इक्वल टू जीरो, इसको इधर भेजेंगे माइनस का तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो आर आई टू बराबर एस आई वन, तो क्या हो जाएगा आर अपॉन एस बराबर आई वन अपॉन आई टू। हाँ दो इक्वेशन आ गई, ये भी आई वन अपॉन आई टू, ये भी आई वन अपॉन आई टू, क्या करेंगे फॉर्म इक्वेशन वन एंड टू, फॉर्म इक्वेशन वन एंड टू दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो यहां से लेकर क्या लग जाएगा पी अपॉन क्यू बराबर आर अपॉन एस, और इक्वेशन थ्री इज ऑल्सो थ्री इज नॉन एज इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर किसकी रहे स्टॉन ब्रिज, बोला आया कि नहीं आया, ये कंप्लीट वीट स्टॉन ब्रिज हुआ। तो मैं तुम्हें पहले बता रहा हूं वीट स्टॉन ब्रिज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मान लेना बहुत ज्यादा, अगर तुम्हारे हर साल हर साल अल्टरनेट अल्टरनेट साल मतलब इस साल है अगले साल नहीं आएगा उससे अगले साल आएगा, ये कंफर्म वीट स्टॉन ब्रिज की मान लो वेरी की पावर इंफिनिटी इंपॉर्टेंट, मतलब कि पिछले साल हो सकता नहीं है, अगर पिछले साल नहीं आया तो इस साल कंफर्म आएगा, ये ध्यान रखना। अल्टरनेट आता है, अल्टरनेट आता है, मतलब ये मान लो आरबीएससी का तो ये चहेता क्वेश्चन है, राजस्थान बोर्ड का तो ये चहेता क्वेश्चन है, राजस्थान बोर्ड मतलब अगर ये एनसीईआरटी सिलेबस भी आया तब भी ये उसका चहेता क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले बोल रहा हूँ वीट स्टोन ब्रिज करता क्या है, ये अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करता है, जहां एक रेजिस्टेंस अननोन रहते हैं और तीन रेजिस्टेंस नॉन रहते हैं, जहां एक रेजिस्टेंस अननोन होगा तीन रेजिस्टेंस नोन होगा, और उनको एक स्पेशल सर्किट में जोड़ा वीट स्टोन भाई साहब ने, और जोड़कर ये देखा कि गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में करंट फ्लो की वैल्यू जीरो हो, और कब जीरो होगी जब इसके टर्मिनल पर पोटेंशियल इक्वल होगा। क्लियर है नहीं है बेटा, आया ठीक है, ओके थैंक यू।